खुदा कसम से बता रहा हूँ, ये स्पॉन्सर नहीं है वीडियो भाई। खाली से थोड़ा सा डाउन मिला, थोड़ा सा इतना सा, ये भागता है, ये भागता है। रहे गए दोस्तों, इसमें जी बैठे दोस्तों इन द वीडियो। गुड मॉर्निंग सबको, क्या कर रहे हो क्या नहीं पता नहीं। आज संडे ही जा रहा हूँ मैं ब्लॉग करने के लिए, ब्लॉग करके अभी अपलोड करूँगा 11 बजे, यही ब्लॉग आने वाला है। तो आप लोग संडे क्या कर रहे हो बताओ। एंड ओवर स्केट बोर्ड लेके जा रहा हूँ, ओवर लॉन्ग बोर्ड, एक्चुअली लॉन्ग बोर्ड ही बोलने का मन कर रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। भाई अभी एक ही जगह के रुका हूँ मैं, HSK के अंदर। तो मैं ना सोच रहा हूँ इधर एक राउंड पूरा वहाँ से ऑल द वे डाउन तक चले जाऊँ। ऐसा मन कर रहा है मेरा, अच्छा लग रहा है। मॉर्निंग वार्म अप हो जाएगा मेन लोकेशन पे जाने से पहले ना, इधर थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं एंड फिर जाके क्रूजिंग एंड ऑल करते हैं। थोड़ा सिनेमैटिक कैसा लगा इधर कमेंट करके बता, ठीक है। सिनेमैटिक देख रहे तुम्हारे भाई का, लेट्स गो। शौकी वॉगी नहीं आना चाहिए भाई। क्या डॉग्स किया है इसने, डॉग्स का डर है। लेकिन वहां तक जाने में बोरिंग है यार, अभी माफ कसम पुश करते जाने में क्या पता नहीं यार, चलते दिखता है। अरे ये पुश करके जाने में इसे आदत से चुक गई है, आदत निकल गई है इसे पुश करके जाने में। ये इसका हैंडल है पता है इधर, ये मजेदार है इसका। अभी जाके कॉफी पीते हैं एंड फिर चलते हैं अपने लोकेशन पे एंड मजे करेंगे भाई। आज मजे करेंगे, आज सुबह सुबह संडे तो पॉजिटिविटी फैलनी चाहिए हर जगह। ये देख रहे हो तुम लोग एफिलेट, मैंने एफिलेट अकाउंट बनाया था, 98 क्लिक्स आए लेकिन 0 ऑर्डर्स है। मतलब सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, जिसको किसी को पसंद आता है किसी को नहीं आता। जिसको मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, आप लोगों को नहीं आ रही होगी, आई कैन अंडरस्टैंड। तो भाई इस स्केटबोर्ड के बारे में थोड़ी बहुत बात करना है मुझे, क्योंकि मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो में काफ़ी ज़्यादा बुराई की था स्केटबोर्ड के बारे में। लेकिन हाँ यार, उस टाइम में वो मेरे को बुरा लगा था तो बोल दिया मैंने। यार ये जो डेक है, स्मूथेस्ट डेक भाई, खाली से थोड़ा सा डाउन इन मिला, थोड़ा सा इतना सा, ये भागता है, ये भागता है। माँ कसम, मैंने स्पॉन्सर नहीं, माँ की खुदा कसम से बता रहा हूँ, ये स्पॉन्सर नहीं है वीडियो, ये पूरा प्रॉपर रॉ वीडियो है, मेरा रिव्यू है। मैं बता देता हूँ, मेरे को आप लोगों को पता है मैं जब भी स्केटबोर्ड लेता था उसके बारे में बताया, बड़ा नहीं रह जाता। अभी 10 डेज रिव्यू भी नहीं बताया मैंने, अभी उसके अंदर प्रॉपर डिटेल के साथ बता, डिटेलिंग के साथ बताऊँगा। तो इसलिए मैं आज ये स्केटबोर्ड लेके आया, जसपुर नहीं लेके आया क्योंकि टेस्टिंग करना था मुझे। इसके जो ट्रक्स है इसे लगते ही, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसे लगते हैं कि यार हाँ ये क्या ही बना दिया, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है, आई स्वेयर स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इसमें स्टंट वगैरह नहीं कर सकते, ऑब्वियसली ये लॉन्ग बोर्ड है तो इसके अंदर ये स्टंट वगैरह नहीं कर सकते। लॉन्ग बोर्ड के नाम पे सिर्फ और सिर्फ ये 1-1.5 इंची बड़ा है जैस्पो के हिसाब से। व्हील्स, इसके अंदर जो लाइटिंग चलती है रात में, हाय हाय हाय, ये देखो चीज थोड़ा सा, हाय 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 हाय, क्या ही चमक है, मज़ा। ग्रिप टाइप इट्स नॉट मैटर अभी तक मेरे को, क्योंकि इतना प्रॉब्लम नहीं लगा है, लेकिन इसका निकल जाता है देखो। आई डोंट केयर, मेरे को पता भी नहीं, मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता क्योंकि मैं इसके ऊपर ज़्यादा इतना फोकस करता भी नहीं हूँ मैं, क्योंकि स्टंट वगैरह करते हैं तो ग्रिप टेप चाहिए होता है, तो इसके अंदर चेक क्यों ही चाहिए, तो मेरे को चाहिए ही नहीं क्योंकि मैं ज़्यादा डाउन हिल ही जाता हूँ इसके साथ। लेकिन मेरे को इसके ट्रक्स काफ़ी ज़्यादा लूज लगे, मतलब जब ये कितना भी टाइट करो ये लूज़ हो ही जाते हैं, तो ऑब्वियसली आई डोंट नो क्यों। इसके बारे में बात करते हैं डेक के बारे में, क्योंकि ये बीच में वेट आई डोंट नो ऐसे रहते हैं क्या, फ्लिपी व्यूपी आई डोंट नो। पहली बार है मेरा लॉन्ग बोर्ड के साथ, मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है या दैट्स इट। और गाइस तुम लोगों ने बताया नहीं तुम्हारे भाई का हेयर स्टाइल कैसा लगा, हाँ बताओगे नहीं, बताओगे नहीं तुम्हारे भाई को हेयर स्टाइल कैसा लगेगा बताओगे, ये देख रहे बक दो गाली बक दो चलेगा कुछ। यो है उसाम भाई, उसाम भाई हमको लेंगे कि नहीं होता, ठीक है। अभी ये स्केटबोर्ड छोड़ के अभी अपन क्रिकेट, तुम्हारे भाई का स्किल पता चलेगा तुम लोगों को क्रिकेट। सालों बहाना मार के आ गया कि अभी मेरे को वॉलीबॉल खेलने जाना है, इसके साथ जाना है मेरे को डाउनहिल। मेरे को पता है आप लोगों को बोर होगा, लेकिन फिर भी मेरे को जाना है, बहुत ज़्यादा स्पीड जाता है। लेकिन जसपुर लेके आया था कल, लेकिन मेरे को ये लेके जाना है क्योंकि इट हैज स्पीड, इट हैज स्पीड। ऐसा पकड़ो क्या, थंबनेल, ओह माय गॉड जो स्पीड दिया है इसमें। Woo!
नहीं है गाइस, नो वन इज ही। मजा ही आ गया। कोई दिक्कत नहीं हुई क्यों पता है, ये शेक ही नहीं होता है वहाँ की, यहाँ ये वाइब्रेशन भी नहीं फील कराता है, पैर को दर्द भी नहीं देता है। यार कसम से बता रहा हूँ, जासो के साथ जब डाउनहिल जाता हूँ ना तो बहुत ज़्यादा पैर डर होता है, लेकिन इसके साथ बस डर लग रहा था कि जान ना चली जाए, पैर दर्द को तो नहीं पता जान ना चली जाए। ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। ओह माय गॉड द सिक भाई, सिनेमैटिक लूंगा इधर एक 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 प्लीज एक 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 सिनेमैटिक, एक सिनेमैटिक एक देखो। तुम्हें क्या लगा सिनेमैटिक डालूंगा साले, इधर तक कोई देख भी रहा है? क्यों था क्यों करूं मैं मेहनत बताओ, पता नहीं क्या ही हो रहा है। तो आपको ये वाला व्लॉग देख के अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो, एंड मिलते हैं ऐसे ही व्लॉग में और एक बार। लेट्स गो, पीस, बाय।